अपना 4 साल का है, लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा और पूछेगा कि जब आघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहां खड़ा था, मैं कांग्रेस ने ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा था। देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ, मुझे जेल में डालो। दोस्तों नमस्कार, मैं रक्षित सिंह। आप में से बहुत से लोग आज मेरा एक वीडियो देख रहे होंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। वहां मंच पर मैंने क्या कुछ कहा, कुछ लोग उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ मेरे संस्थान के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ मेरी भविष्य की प्लानिंग को लेकर बातें कर रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं। तो मैं उन सवालों को यहां पर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों को। सबसे पहला है कि मेरा संस्थान जहां पर मैं नौकरी करता हूं, वो मैंने वहां पर जो बातें कही वो ओवरऑल पिन पॉइंटेड टुवर्ड्स एनी वन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान के प्रति या एक किसी चैनल के प्रति नहीं है, वो सबके प्रति है। जो ओवरऑल एनवायरमेंट है, ओवरऑल जो पूरा का पूरा माहौल इस समय पर बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें बात शायद आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। मैं अपनी जो मनोस्थिति है वो बता देता हूं कि बीते 2-3-4 महीनों के दौरान किस तरीके की रही है। न्यूज चैनल वाले जब किसी कवरेज के लिए जाते थे अब से पहले, तो उनका सम्मान होता था। इस पेशे को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह वही सम्मान था। जब मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया तब उस सम्मान को देखते हुए मैंने इस पेशे को चुनना का मन बनाया और चुना इस पेशे को। वो सम्मान आज की तारीख में गायब हो चुका है। फील्ड में जाते हैं कई बार स्थितियां, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिपोर्टर्स के सामने ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनको अपनी आईडी हटानी पड़ती है। चैनल्स के जहां जहां पर जगह जगह पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं, तो इस परिस्थिति में किस तरीके से काम होगा। मैं नहीं कर पाया उस काम को, झेला मैंने जब तक मैं झेल सकता था। शायद किसी के झेलने की लिमिट मेरे से भी पहले ओवर हो जाती, शायद किसी की मेरे बात भी होगी। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या भाई ये सरकार के खिलाफ है या किसी चीज के खिलाफ है। मैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, इससे पहले भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। जिस तरीके का काम मैंने बीते लगभग 10-12 साल में किया, उससे मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत खुश था मैं कि हां मैं जो खबरें करता हूं, 1-2 दाएं बाएं थोड़ा सा करने के अलावा सब मोटा मोटी वैसे ही जाता है। लेकिन आज की तारीख में ओवरऑल मीडिया एनवायरमेंट किस तरीके का बन चुका है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। मैं उस एनवायरमेंट में नहीं रह सकता, मैं उस एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई साहब वहीं क्यों, वहां क्यों नहीं, उस बॉर्डर पे क्यों नहीं, उस बॉर्डर पे क्यों नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल हैं। तो मैं जहां पर कवरेज करने के लिए गया हूं, जिस जगह पर मेरे को बोला गया है कवरेज करने के लिए, जाहिर सी बात है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो वो वहीं पर लिया जाएगा। शायद ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब इसके बाद में एक तीसरा पहलू आता है, नेता बनोगे क्या, विधायक बनोगे क्या। भाई साहब मुझे आती है पत्रकारिता, जो मैंने लगभग 14-15 साल में की है, और शायद वही पत्रकारिता मैं आगे भी करना चाहूंगा। किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी के बायस्ड नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, किसी सरकार के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं रिपोर्ट करूंगा, और वही मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, और वही पत्रकारिता है। किसी की भी साइड ले लेना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, वो मेरा काम नहीं है। अगर किसान आंदोलन में कुछ गलत होता हुआ मेरे को दिखेगा,
तो जाहिर सी बात है कि मैं वो भी रिपोर्ट करूंगा। फैक्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है, हमारा ये काम है। ओपिनियन बनाना मेरा काम नहीं है, ओपिनियन जनता बनाती है, व्यूअर्स बनाते हैं, रीडर्स बनाते हैं, ओपिनियन बनाना मेरा काम नहीं है। अब आता है तीसरा सवाल कि अब आगे करोगे क्या। तो भैया मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे ऊपर भी ईएमआई का बोझ है, एक छोटा सा दो कमरों का घर लिया हुआ है, उसकी ईएमआई भी चुकानी है, नहीं चुका पाया तो दो महीने तीन महीने बाद वो फोरफिट हो जाएगी। एक गाड़ी है, उसकी भी ईएमआई जाती है, वो नहीं दे पाया उसे भी खींच के ले जाएंगे। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि मेरे सामने विकल्प क्या है। विकल्प यही है कि जो काम मेरे को आता है, जो मैं 15 साल से 14 साल से करता रहा हूं, मैं वही काम करूंगा। मेरा और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई किसी के प्रति द्वेष या कुछ मन में कोई ऐसी है नहीं। जो कुछ है ये मेरा अपना है डिसीजन कि मुझे क्या करना है। मुझे इस सिस्टम का, इस पार्ट का, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना था। अब मैं इससे आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था तो मैं क्या करूं, मेरे सामने विकल्प क्या है। छोड़ ही तो सकता हूं ना, छोड़ दिया। अब इसमें इफ एंड बट लगाने की मेरे हिसाब से शायद कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। अगर कुछ और सवाल आएंगे मैं वो भी कर दूंगा क्लैरिफाई, लेकिन कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि मैं जो काम करता रहा हूं मेरे को वही काम आता है, इसके अलावा मेरे को कोई काम नहीं आता। ना मैं बिजनेस कर सकता कि मेरे पास पैसा हो मैं बिजनेस कर लूं, ना मैं पॉलिटिक्स कर सकता कि मेरे पास पॉलिटिक्स का बहुत भारी अनुभव है मैं वो कर लूं, या मैं कोई बहुत बड़ा मास लीडर बन जाऊं, या मैं कोई बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दूं। नहीं, मेरा बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज से आज की तारीख में सिर्फ अपने पेशे को, उस काम को, उस हुनर को जो मैं जानता हूं, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो बाय चॉइस है नॉट बाय फोर्स है, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।